चलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो। तो हम ऐसे ही करते हैं और कैसे करते करते हैं? क्या फिर कैसे करते हैं? क्या चीज़? क्या है ये? क्या क्या उसकी आदत बनी हुई है, वो है अभी आपसे सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पक्की बात है। कैसे हम सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और आप सारे ठीक होंगे। जब अली ने बोला ना उसके साथ अस्सलाम वालेकुम, तो ये तो वो सारा, तो तब मुझे समझ आई कि यही कहती कि आप पहले बोलें अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका, सब लोग ठीक ठाक है। मैंने इसके साथ इस तरह सलाम करता हूँ, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। वो मुझे कह रही है ऐसे तो नहीं करते, अभी मैंने उसको बस इतना कहा अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से कहती नहीं ऐसे तो नहीं करते, ऐसे करते जैसे बाद में किया है। बात वाला ठीक था, इसको असल में हुआ है नजला और थोड़ी थोड़ी ना खांसी भी, आप लोगों को पता ही होगा, उसकी वजह से नहीं ऐसी हुई। फिर ऐसे स्लीपर्स पहन के फिर फर्श ठंडा होता है, जो स्लीपर्स पहनो। अक्सर इसके सॉक्स की तरह मुझे ये बताएं, सॉक्स ना मैंने आपको वो सूट का जो ब्लैक है ना उसके अंदर, इसका पहले ये वाला हल करें, क्योंकि इसने स्लीपर नहीं इस तरह पहन के फिर ना सॉक्स निकाल के देता हूँ मैं आपको ऊपर से। अस्सलाम वालेकुम, आपके अच्छे हैं मिठू पाले से बच्चे छोटे से, आपने तो सॉक्स वगैरह सारा कुछ पहना हुआ है, आप तो बिल्कुल रेडी हुए हुए हैं। आपको क्या हुआ? ये मैंने इसको नया सिखाया है, जब नजले का नाम हमने रख दिया मोए मोए, ठीक है। अच्छा आपको क्या हुआ है? मोए मोए। पहले अब इस तरह करते हैं कि अक्सा को ना जल्दी से बैग निकाल देते ऊपर से, ताकि आयशा को ना ये सॉक्स पहना सके। अक्सा देखना ब्लैक वाला या ब्राउन वाला, ब्लैक वाला चाहिए। ये किधर पड़ा हुआ? ये पड़ा हुआ ब्लैक वाला। आपको क्या हुआ है? देखिए अगर तो इसके अंदर सॉक्स निकलते हैं तो ठीक है, नहीं निकल तो जाके मैं आपको नए ले देता हूँ इसके सॉक्स। वाह जी वाह, पूरा पैकेट बड़ा हुआ है। ऊपर बैठा लेना इसको, इधर ऊपर बैठ जाओ, मामा आपको पहना देती हैं। मजे की बात ये, सर्दियों के साथ आने के साथ ही पता नहीं हमारी लाइट्स जो घर की, इनको भी सर्दी लग रही है। पहले वाला आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखा उसमें हमारी एक लाइट ने पटाखा मारा, अच्छा खासा धुआं निकला है। अभी दूसरी लाइट ऊपर से फिर इसका एकदम धमाका ही होता है, मैं क्या कुछ, जो आवाज जितनी तेज होती है, और ये लाइट का ऊपर से कैप पड़ा है और अभी इस तरह ब्लिंक कर रही है, ये देखें इस तरह टिक 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 करी जा रही है। ये मेरे लगता है बतिया नु सर्दी लग गई है, कंबल शंबल देने इनके ऊपर, फिर कंबल शंबल देने ऊपर। इनका घर है ना, मैंने उनको अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करके वीडियो भी भेज दी और लाइट्स भी दिखा दी। अगर तो फॉर एग्जांपल हमें एक मिनट ऐसा कुछ 6 महीने गुजर गए होते, तो फिर तो मेरी जिम्मेदारी थी कि यार ये लाइट्स मैंने चेंज करवानी है। अब अभी हमें आए हुए महीना भी नहीं हुआ, लाइट चढ़नी शुरू हो गई, मैंने उनको कहा कि लाइट्स को आप चेक कर लें, इनको क्या मसला, इनको ठीक करवाएं। अगर हमें तो कुछ 6 महीने गुजर गए होते फिर तो चलो हमारी जिम्मेदारी है ना, कि हम कहते हैं यार हमने लाइट यूज की है, और ये पटाखे मारी और महीना गुजर गया तो सारी उड़ जाएंगी, फिर ये सारी जब डलवाने लगेंगे 10-15 हज़ार की लाइटें आ जानी है। जी जी, ओ मेरे बच्चे ने सॉक्स पहन लिए, अब आप इसके साथ स्लीपर्स भी पहन लो अपने, अब आपको फिर सर्दी नहीं लगेगी, पहन लो। हाँ दूसरे दूसरे फुट में, ये दूसरे फुट में पहनो। और ये अफसान अब्दुल्ला के भी शूज निकाल लिए, इसको नहीं सॉक्स पहनाने अब्दुल्ला को, ओ अच्छा उसने तो पहने हुए, मैंने पहले देखे भी हैं, अब्दुल्ला ने तो सॉक्स पहने हुए हैं, लेकिन हम इतनी तैयारी करके किधर जा रहे हैं? पहले ना इसको ये वाले शूज जो है ना वो बड़े थे, तो मैंने कहा आप पहना के देखते हैं इसको पूरे हैं कि नहीं, लग बहुत प्यारे रहे हैं, लग तो प्यारे रहे हैं। अभी आपको ना इंटरेस्ट की मजे की बात बताती हूं, ये आयशा की नानो लेके आई थी आयशा के लिए, तो आयशा ने तो पहने नहीं, मेरे ख्याल से पहना भी हुआ तो शायद 1-2 दफा पहना होगा। अब ये भाई साहब को पूरा आ जाएगा, हैं 2 शूट पूरे आ जाएंगे, क्या लगता है साइज का आपको? वैसे ये वाला साइज अभी आएगा, ये जो साइज 2 महीने बाद ही आएगा, 2 महीने बाद मतलब चल जाएगा, ये वाले दोनों ड्रेस काम आ जाएंगे मेरे बच्चे के। अभी इसको ये वाली पैंटी पहनाई है और साइज बिल्कुल परफेक्ट आया, ये वाला बिल्कुल वो भी बना दे साथ, ऊपर अपर की शर्ट यही चले दे साथ, अगर नहीं तो देख ले शर्ट यही चले बना दे, पूरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा मेरे बच्चे का। फाइनली जी हमारा एक बाजू तो पहना गया, नहीं तो बार बार अंदर हमारा बाजू छुटी जा रहा था, बिल्कुल हाथ अंदर छोड़े, असल में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है ना कि बंदा इसको अंदर अपना हैंड डाल के इसका हैंड पकड़ के निकाल ले, बिल्कुल टाइट आई ले जी। फाइनली हमारा बच्चा बिल्कुल रेडी हो गया, कितने प्यारे लग रहे मेरे बच्चे को ये वाले पेपे, दिखाओ आपको कैसे लग रहे हैं, देखने वैसा प्यारा लग रहा है वैसे वाला सूट है ना, साथ शूज भी हल्के हल्के मैच हो गए हुए हैं, ये नजर आ रहे हैं ना सारे मामला क्यों हो रहे हैं, क्यों रो रही है, बार बार दुखी हुई जा रही है उसी बात पे। उसामा आया हुआ था ना, वो हालांकि कितने एक दिन के लिए सिर्फ आया, एक दिन भी पूरा नहीं, कुछ घंटे, हाँ जी उतने देर में ये सीन बन गया हुआ है, अब बार बार दुखी हुई जा रही है। अब ये 2 से 3 दिन काम चलना है, जो मर्जी कर लो। हाँ क्या हुआ? मामू और कितो लेके आवा मैं उसे जाके ले आऊं, मैं तो कहती हूं परमानेंट प्लास्टिक का बना दो जरा, गाड़ी की चाबी पड़ी हुई है जाओ जाके लेके आना, मामा भी ठीक कह रही, प्लास्टिक का बना दे मामू आपको, प्लास्टिक का मामू ना मजाक करा तो पता चल जाता इसको कि मैं सब मजाक कर रहा, साथ ही उसने लग गई, क्या करूं पता नहीं अब क्या कह रही है। सारी वाम होगी अंदर सेट, कोई बंदा रह तो नहीं गया, हाँ आते ही गाड़ी में अपने बिजनेस शुरू हो गए हैं दूध पीने वाले। और अभी हम लोग बैरियर टाउन के तकरीबन तकरीबन करीब पहुंच गए, मजे की बात ये कि आज हम लोग सर्दी का पहला सूप पीने जा रहे हैं, आज हमने डिसाइड कर ही लिया कि आज हमने सूप पीना ही पीना जो मर्जी हो जाए, काफी दिल
मजे की बात ये कि बच्चों के लिए सर्दी आई, हमारे लिए इतनी सर्दी नहीं आई। मेरी तो वैसे भी आप लोगों को पूरी सर्दियां, मैं भी बता देता हूँ, हाफ स्लीव ही मिलेगी। बिल्कुल ऐसे अली तो पूरी सर्दियां हाफ स्लीव, मैं नहीं फुल स्लीव पहनता, बस बाहर निकलते दिल करे जैकेट पहन ले तो मेरा यही सीन चल रहा था। जो तो हमारे पुराने व्लॉग्स देख रहे हैं ना, उनको तो पहले इस चीज का अंदाजा होगा, अंदाजा पता है सबको। बहरहाल अभी इतनी सर्दी आई कोई नहीं है, हम फिर भी वैसे सूप पीने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। अक्सा कह रही है अभी आप पहले भी इस जगह से घूम के गए, मैं नहीं गया, ये तो अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो गया? आपको कोई गलत फहमी हो रही है, मैं यहाँ से गुजर के पहले भी गया हूँ, झूले मैं यहाँ करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए घूम रहा हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग सूप पीने के लिए आए हैं, वो जरा देखें, उसको मैंने ऐसी जगह पे रखा है ना कि वो जरा आपको देख के खुश होता रहे, हंस रहा है आपको देख के। ये नहीं अभी किया, क्या ऑर्डर किया वो आपके सामने पड़ा, आप चेक करो आपने क्या चीज ऑर्डर करनी, फिर मैं आपको मंगवा के दे देता हूँ, ठीक है? कर लोगी सिलेक्ट? चेक मेन्यू करने देखने लगी, चेक करने लगी है क्या मंगवाना है। चिकन खाना, बस इससे कोई भी चीज पूछना है इसको, बस चिकन का पता, चिकन मंगवाना है। कौन सा सूप पीना है? ये वाला, ठीक है आपके लिए सूप, सूप अच्छा है इसके लिए। सूप तो हमारे लिए आया है ऐसे ही है, और क्रैकर्स आए हैं आयशा के लिए। वेट भी नहीं हो रहा, वेट भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये पहले चक्की काटेगी, थोड़ा सा खाएगी, फिर सुकून आएगा। ये आपके लिए प्लेट भी आ गया आयशा, ठीक है? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बेगम से तो सब्र ही नहीं हो, अपना बाउल रेडी करके आपने रख लिया, मुझे किसने देना है? और वो बुलाने लग पड़ा आपको? नहीं मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं मसला, मैं डाल लेता हूँ। आपके लिए भी ले आए हैं, आपने नहीं पीना फिर सूप? आयशा ने सिर्फ क्रैकर्स खाने, आयशा ने तो पीना ही नहीं है सूप। हाँ सूप वगैरह पी के अभी हम लोग आ गए लेक सिटी, और बच्चे हमारे पीछे सोए पड़े हैं, दोनों ही बच्चे हमारे सो गए हुए हैं। यहाँ पे मुझे एक दो चीजें वगैरह लेनी थी, मैंने कहा अगर तो मिल जाती है चले यहाँ से पता कर लेता हूँ, नहीं मिलती तो फिर चलो कल परसों से कहीं और से ले लेंगे। आपके बच्चे तो अभी सो रहे हैं, फिर क्या करना है, आप अंदर ही बैठेंगी? हाँ, मैं इधर बैठी, अगर इनको उठाना है तो उठा लेते हैं। नहीं नहीं बैठी हूँ, आप हो। 10-15 मिनट लग जाएंगे मुझे। ठीक हाँ, है अक्सर साथ साथ झाड़ू लगा रही है और कह रही है पता नहीं हमारे घर में कचरा कहाँ से आता है। झाड़ू वैसे नहीं था इतना लगने वाला, लेकिन उसी 2-3 लाइट्स होंगे धमाके हुए हैं ना, उसके बाद ये धमाकों के बाद ये चीजें गिरी हैं, इसलिए कचरा आया हुआ है। ये देख रहे हैं, ये तो लाइट का कोई पूरा सा पुर्जा पड़ा हुआ है। चले आप जल्दी लगा लें फिर झाड़ू। और बाकी जो हमने सूप पिया था वो आते तक मेरा तो बिल्कुल फिनिश हो गया, क्योंकि सूप के अंदर मुझे जहाँ तक लगता है ना वो ज्यादातर तो पानी टाइप की चीज होती है, कोई इतना खास खाने वाली चीज तो होती नहीं है, या सब्जी होगी या चिकन वगैरह उसके अंदर हो गया। और आपके क्या मामला आता है, आपको भूख लगी है कि नहीं? मैंने से आते हुए रास्ते में पूछा कि आपने खाना खाना है कि नहीं खाना, कहती है मैंने नहीं खाना। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्जी, इसको मैंने बताया नहीं। और एंड में आके ना मैंने एकदम से बिरयानी, वहां से बिरयानी की जब डिब्बा लेने लगा हूँ, कहती है ये तो मैं भी खाऊंगी। अब इसलिए भूख लग गई है। और बाकी आप लोगों को मजे की बात बताता हूँ कि हम लोग वहाँ पे गए हैं, अब्दुल्ला ने अपना एक आधी दफा बस फीडर पी है, उसके बाद बिल्कुल आराम से लेटा रहा है। ये देखे अभी भी सो रहा है, अपनी नींद पूरी कर रहा है। इसने ना 2-3 जो से हमारे बाहर चक्कर लगे, एक दिन जिस तरह आपके जूते वगैरह लेने गए हैं वो, और एक आज इसने इस चीज का बता दिया कि मैं तुम्हें तंग नहीं करता, तुम जाना हो किधर जा सकते हो, मैं तंग नहीं करता तुम्हें। नहीं जिस तरह आज सूप बैठ के पी के आए वहां पे, हम ये भी नहीं कर रहे थे पहले इसीलिए। और ये वाली हमारी एक एक्स्ट्रा लाइट चल रही है, इसको हम बंद कर लेते हैं। रात को वैसे हमारी ज्यादा उसी लाइट से ना हम यही वाली चलाई होती है, अभी तो नहीं, अभी तो हम काम शाम कर रहे हैं घर में, तो वो यही वाली चल रही होती है। आप तो सारे ही झाड़ू लगाने पे आ गई, मैंने आपको कहा था सिर्फ लाइट्स वाली जगह से उठा लें, आपने सारे लगा दिए। चलो, और इधर बच्चों का कुछ दूध वगैरह आने वाला था वो भी आ गया, और साथ जैम लेके आने वाला था वो भी। अक्सर एक डाइट जैम भी पड़ा हुआ था यार उनके पास, उसके अंदर लिखा था कि शुगर वगैरह नहीं ऐड की हुई अंदर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में था, लेकिन उसके प्राइस नहीं थे पता चल रहे। स्ट्रॉबेरी का मेरे ख्याल से नेचुरल टेस्ट होगा, लाके चेक करेंगे ना जब प्राइस का पता चल जाएगा। असल में ये वाला सारा सामान लिया मैंने फार्मेसी से, और फार्मेसी में सिर्फ एक ही वो जैम पड़ा हुआ था। मैंने वैसे अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा ये वाला जैम, मुझे नहीं पहले पता था डाइट जैम लिखा हुआ था उन्होंने ऊपर, तो इसलिए उनके पास प्राइस नहीं उसके मेंशन थे। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और ग्रोसरी स्टोर पे जाऊंगा ना, वहां से जाके चेक करके लेके आऊंगा। और यहाँ से हमारा झाड़ू भी तकरीबन कम्प्लीट हो गया। खाना अभी खाना है या ठहर के खाना है? भूख तो लगी गई आपको, सूप भी है, 2-3 घंटे गुजर गए हुए हैं, भूख लगनी है। आयशा आ जाओ, खाना लग गया है, आ जाओ, खाना नहीं खाना, टॉयज के साथ खेल रही हो, आ जाओ खाना खाओ। इधर लेटने की वजह और जितनी ठंड आ रही है उतना ही फर्श पे लेट, उठो उठो जल्दी, उठो जल्दी करो, मैं कह रहा हूँ सर्दी लग जाएगी, पहले सर्दी लगी हुई है, सॉक्स बनाए अभी, कोई नहीं छुपी हुई नजर आ रही हूँ मुझे, कहीं और जाके छुपो, उठो अब ना इसके ऊपर दोबारा लेटना, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, समझ आ रही, इसके ऊपर ना लेटा करो फर्श पे, वो उस मैट के ऊपर लेटो, अगर लेटना तो जो सोफे के ऊपर जाके लेटो,
अक्सर ने तो आज इसको शूज भी पहनाए हुए थे। मैंने कहा अक्सर शूज है ना, सॉक्स पहना लें साथ स्लीपर्स पहन लिया करें, ये बहुत ज्यादा बेहतर है। बच्चा पूरा दिन शूज पहन के रखे, पता नहीं पहनते भी कोई नहीं। और यहाँ पे हमारी लास्ट पे चाय बनने वाली रह गई थी, बस चाय पियेंगे क्योंकि हमने वॉक वगैरह कर ली। हाँ वॉक वगैरह हमने कर ली हुई है, नींबू पानी हमने पी लिया हुआ है, बस चाय की कमी रह गई थी वो पी लेंगे अब। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अक्सर इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए फिर इजाजत। हाँ जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ रह गया आपका, कर लें आप भी।